शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग मौर्य साम्राज्य पर 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मौर्य साम्राज्य चूंकि लंबा टॉपिक है तो इसमें मैंने ब्रेक कर करके 20 क्वेश्चन का सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूं। पहले मैंने आपको लेवल इजी रखा है, इसके बाद फिर मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊंगा। जो अगला जो वीडियो होगा उसको भी जरूर देखना, उसमें भी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए पहले हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लें जो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ लेंगे कन्फर्म। चलिए पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंबिसार। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर है। चलिए गाइस, इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धननंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखें, दूसरा क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। ए भट्ट स्वामी, बी विष्णुगुप्त, सी राजशेखर और डी विशाख दत्त। फ्रेंड्स बताएं इसमें से क्या उत्तर आपका सही होगा। यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। चल फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है विष्णुगुप्त है, यानी चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है और इसी चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब की रचना की थी जो राजनीति पर लिखी गई किताब थी। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को पराजित कर एरियाना का क्षेत्र प्राप्त किया था। इसमें देखिए चार ऑप्शन है, पहला सेलुकस, बी डाइमेकस, सी साइप्रस और डी डेरियस। फ्रेंड्स बताएं किसको हरा करके एरियाना का क्षेत्र प्राप्त किया था। चले गाइस, इसका आंसर ए है, सेलुकस निकेटर को 323 ईसा पूर्व में पराजित किया था और एरियाना का रीजन गिफ्ट के रूप में मिला था, जबकि सेलुकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और दहेज के परिणाम स्वरूप इसने एरियाना का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ए कालिदास की मालवी काग्निमित्रम, बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी वात्स्यायन का कामसूत्र और डी तिरुवल्लुवर का तिरुक्करल। फ्रेंड्स बताएं चारों में से क्या उत्तर होगा आपका। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है गाइस। चलिए गाइस, इसका आंसर बी है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से इसकी गणना या तुलना की जाती है। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के समय में मेगस्थनीज ने भारत की यात्रा की थी। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक और डी बिंबिसार। फ्रेंड्स बताएं मेगस्थनीज ने किसके समय भारत की यात्रा किया था। चलिए गाइस, इसका आंसर बी है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगस्थनीज को भारत भेजा था और इसी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। याद रहे, इंडिका नामक पुस्तक की रचना मेगस्थनीज ने की थी और मेगस्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। आगे देखे, छठा क्वेश्चन, मौर्य वंश के किस शासक ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी किस शासक ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी बिंदुसार। फ्रेंड्स बताएं किस शासक ने जैन धर्म एक्सेप्ट किया था। यू कैन डू दिस, चलिए इसका आंसर डी है, बिंदुसार, यानी कि मौर्य वंश के शासक बिंदुसार ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। नहीं गाइस, इसका आंसर गलत हो गया, इसका आंसर नो, इसका आंसर ये नहीं बल्कि इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। याद रहे, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है, माय मिस्टेक, इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। छठे का आंसर ए है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को एक्सेप्ट किया था जबकि बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को एक्सेप्ट किया था। यहां पे मैं माफी चाहूंगा, छठे का आंसर ए है, चंद्रगुप्ता मौर्य। और इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था और वहीं पर संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे देखिए, सातवां क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से सीरिया के किस शासक ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? निम्नलिखित में से सीरिया के किस शासक ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था? ए एंटियोकस फर्स्ट, बी एंटियोकस सेकंड, सी साइप्रस फर्स्ट एंड डी साइप्रस सेकंड। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा इसका। चलेगा इसका आंसर ए है, यानी एंटियोकस फर्स्ट ने, सीरिया का शासक एंटियोकस फर्स्ट ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार ने सीरियन शासक से तीन चीजें मांगी थी। पहला दार्शनिक, दूसरा शराब और तीसरा मीठा अंजीर। आई होप कि यहां पर आपको क्लियर हो गया हो। आठवां क्वेश्चन देखें, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए चार, बी पांच, सी छः और डी सात। फ्रेंड्स बताएं भारतीय समाज को कितने भाग में बांटा गया मेगस्थनीज के द्वारा? यू कैन डू दिस, कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। चलिए इसका आंसर डी है, सात। यानी मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात भागों में बांटा था। आगे देखिए नौवां क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस का लेखक है? ए अश्वघोष, बी विशाख दत्त, सी कालिदास और डी भास। फ्रेंड्स बताएं मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? चलेगा इसका आंसर बहुत ही सिंपल, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस। बहुत ही फेमस ये ड्रामा है जो जिसने प्राचीन इतिहास के तथ्यों को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दसवां क्वेश्चन देखिए, भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ये तो बता दीजिए कम से कम। ए प्राचीन हिंदू जनश्रुतियों के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में, या डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के बारे में। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा दसवें का। चले इसका आंसर डी है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार की घटनाओं की जानकारी देता है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। आगे देखिए ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? ए जुडिज्म, बी बौद्ध, सी हिंदू और डी जैन। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। यू कैन डू दिस, चले गाइस इसका आंसर बी है, यानी कि कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया था। बारहवां क्वेश्चन देखिए, अशोक के किस शिलालेख से कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है? ए बारहवां शिलालेख, बी तेरहवें शिलालेख, सी चौदहवां शिलालेख, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है, गाइस बताएं यू कैन डू दिस, कर सकते हैं। चले गाइस अशोक के तेरहवें शिलालेख से हमें कलिंग विजय की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें लाखों लोगों को मारा गया था, क्योंकि कलिंग का क्षेत्र आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, अतः अशोक ने कलिंग के विजय के पश्चात, जैसा कि उसने बौद्ध धर्म भी एक्सेप्ट कर लिया था, आपको इसकी जानकारी तेरहवें शिलालेख से प्राप्त होती है। तेरहवां क्वेश्चन देखिए, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैंने अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ए तेरहवें शिलालेख, बी चौदहवां शिलालेख, सी पांचवां शिलालेख और डी छठा शिलालेख। फ्रेंड्स बताएं सक्रिय प्रशासन की जानकारी मिलती है, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, बताएं क्या उत्तर होगा। चलेगा इसका आंसर डी है, छठा शिलालेख। यानी अशोक ने अपने छठे शिलालेख में इसकी घोषणा की थी कि मैं सक्रिय प्रशासन में पूरी तरह से संलग्न हूं, अतः कोई भी महामात्य मुझे किसी भी समय मुझसे संपर्क कर सकता है। आगे देखिए गाइस चौदहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ए प्रादेशिक रज्जुक युक्त, बी रज्जुक युक्त प्रादेशिक, सी प्रादेशिक युक्त रज्जुक और डी युक्त प्रादेशिक रज्जुक। थोड़ा सा टफ है, अगर बता पाएंगे कोशिश कीजिए। चलेगा इसका आंसर ए है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था, पहला आएगा प्रादेशिक, फिर आएगा रज्जुक, फिर आएगा युक्त। नोट कर लीजिए ये तीनों के तीनों अधिकारी हैं जो सेंटर के द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर इसे अपॉइंट किया जाता था। पंद्रहवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ए प्रथम कलिंग शिलालेख, बी तेरहवां शिलालेख,
पांचवा शिलालेख और डी बराबर गुहालेख। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। सारी प्रजा मेरी संतान है, यू कैन डू दिस, कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, बनाइए इसको। चलेगा इसका आंसर ए है। प्रथम कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक और डी कनिष्क। पीछे बता चुका हूं ऑलरेडी, आपको लेक्चर बताया था अभी जस्ट, यू कैन डू दिस। चलेगा इस, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था जो एंटियोकस फर्स्ट का राज दूत था। 17वां देखते हैं, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहत शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन से स्क्रिप्ट प्रयोग की गई थी। ए खरोष्ठी, बी संस्कृत, से तमिल, डी यूनानी। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। चलेगा इसका आंसर ए है, खरोष्ठी स्क्रिप्ट का प्रयोग यहां पर किया गया था, यानी अशोक के चार स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था, खरोष्ठी, अरमाइक, ग्रीक और साथ साथ में ब्रह्मी। जिसमें खरोष्ठी की बात करें तो शहबाजगढ़ और साथ साथ में मनसेहरा शिलालेख में खरोष्ठी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था। 18वां देखें, मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप का विवरण मिलता है। ए महास्थान सहगौरा, बी सहगौरा मास्की, सी महास्थान कलसे और डी भाबरू और सारनाथ। फ्रेंड्स बताएं अकाल की चर्चा किस शिलालेख से, यू कैन डू दिस, पता है कोशिश कीजिए। चले इसका आंसर ए है, महास्थान और सहगौरा शिलालेख से, जो चंद्रगुप्त मौर्य का शिलालेख है, इससे हमें मौर्य कालीन अकाल के बारे में चर्चा मिलती है। 19वां देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी बिंबसार। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। चलेगा इसका आंसर सी है, अशोक। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण कराया था। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, विदिशा, मध्य प्रदेश के विदिशा में सांची स्तूप है जो बुरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित है और इसका निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। 20वां और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के विद्रोह को अशोक ने दबाया था। ए तक्षशिला, बी उज्जैन, सी पाटलिपुत्र और डी नासिक। कहां के विद्रोह को दबाया था गाइस, बताएं। चलेगा इसका आंसर ए है, तक्षशिला, यानी तक्षशिला के विद्रोह को दबाया था अशोक ने। यद्यपि इससे पहले सुसीम को भेजा गया था, सुसीम पूरी तरह से असफल रहा था, अतः बिंदुसार ने अशोक को भेजा और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में कामयाबी मिली थी। आई होप फ्रेंड्स कि 20 के 20 क्वेश्चन में से कम आपके 15 से 16 क्वेश्चन आपने बनाए हों। पढ़ने के दौरान आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके कितने आंसर सही हैं, क्योंकि ये आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से अपने को इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैं एग्जाम में कहां तक मुझे सफलता मिल रही है। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। अगला फिर से दूसरा जो वीडियो होगा इसके बाद का, वो भी मौर्य पे ही होगा। अभी इस 20 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, रट जाइए अच्छी तरह से, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे। थैंक यू एंड टेक केयर।